आज 14 अगस्त 1993 को आज ही के दिन सरथल रोड पर एक बस को हाईजेक करके उस रोड पर ले जाया गया था और वहाँ पर निर्ममता से उस बस में जो यात्री थे उनको धर्म पूछकर एक तरफ करके हिंदुओं को अलग किया गया और उनका नरसंहार किया गया। आज मैं इस मौके पर आज ही के दिन उन सभी हुतात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जैसा कि आप जानते हैं, 2 दिन पहले राजौरी के अंदर किस प्रकार से एक युवक की निर्ममतापूर्वक तरीके से वहाँ उसकी हत्या की जाती है एक षड्यंत्र के तहत, और उसके बाद कल वहाँ एक परिवार को निशाने पर रखा जाता है, उसके घर के अंदर वहाँ ब्लास्ट किया जाता है, ग्रेनेड थ्रो किया जाता है कुछ अज्ञात लोगों द्वारा, बल्कि मैं कहूँगा कुछ पाकिस्तान प्रस्त लोग थे या आतंकवादी भी हम उसको उनको कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। मैं प्रशासन से भी ये जो उन लोगों का राजौरी वासियों का ये इल्ज़ाम है कि प्रशासन सतर्क नहीं था, अगर प्रशासन सतर्क रहता तो ऐसी घटनाएं वहाँ अंजाम में नहीं आती। जिस प्रकार से अश्वाई डिस्ट्रिक्ट डोडा एक सेंसिटिव प्लेस है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसी प्रकार से पुंछ राजौरी भी एक सेंसिटिव प्लेस है, वहाँ पर भी कभी भी कुछ भी घटना घटित हो सकती है। तो प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए था, तो प्रशासन सतर्क नहीं रहा, उसके बावजूद वहाँ हमें ये सब चीज़ें देखने को मिली। मैं अंत में आपके माध्यम से उस ग्रेनेड हमले में एक बालक वहाँ शहीद हुआ, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। उसका पुराने कालखंड में भी हमारे बुजुर्गों ने, जवानों ने, माताओं ने, बल्कि मैं कहूँगा बालकों ने भी अपने सिर भारत माता के चरणों में आहूत किए हैं, और आने वाले समय में भी, आज के दौर में भी, उस समय भी हम भगत सिंह को याद करते थे, आज के दौर में भी वीर हकीकत राय को हम याद कर रहे हैं, जो वीर सिंह का वहाँ बलिदान हुआ है वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए वो एक ऊर्जा का स्रोत रहेगा उसका बलिदान। और मैं उसके उसका जो रक्त है, उस रक्त से आने वाली क्रांति का उन्होंने आभास हमें कराया है, उसके बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, उसके रक्त को हम व्यर्थ जाने नहीं देंगे। और अंत में मैं उस वीर सिंह बालक की शहादत को नमन करता हूँ, शत शत प्रणाम करता हूँ, और उसके परिवार को ये दुख सहन शक्ति करने की भगवान से ये प्रार्थना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।